सुंदर नर्सरी। यह है सुंदर बुर्ज, यह भी 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, मुगल काल मुगलों ने बनवाया था इसे। देखते हैं इसके अंदर। तेरी की भाई साहब, ये एक नंबर है। और इसके चारों तरफ ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। कितनी बेहतरीन खूबसूरत नक्काशी की गई है। पहले बताते हैं लोग कि इसके जो बीच बीच में जगह है, यहाँ पे ये बीच बीच में जो खाली है, यहाँ पे हीरे और मोती जड़े हुए थे। ये हर जगह ये सब अंग्रेज़ों ने लेकर चले गए। ये देखो, यही लोग कूड़ा उड़ा फैलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसको कहीं कूड़े में डाल दो। ये सुंदर बुर्ज के एकदम सामने ही बनाया गया है। ये सुंदर बुर्ज बेहतरीन चीज बनाया गया है। और इसके चारों तरफ देखो, एकदम बेहतरीन बाग बगीचे फूल सब लगाए गए हैं। यहाँ से सुंदर बुर्ज का नज़ारा देखो। ये फाउंटेन यहाँ पे चल रहा है और ये है झील। ये झील है, झील में फाउंटेन वगैरह बहुत लगे हुए हैं। देखो और इसके चारों तरफ ये झील, बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी। वहाँ पे देखो फाउंटेन वगैरह चल रहे हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ सुंदर नर्सरी की, सुंदर नर्सरी है। देखो ये है लक्कड़ वाला बुर्ज, ये भी 16वीं सदी में मुगल कालीन बना हुआ है। ये इसका परिचय यहाँ है। लक्कड़ वाला बुर्ज एक विशालकाय गुंबददार मुगल कालीन मकबरा है, जिसके चारों तरफ एक ऊंचा मेहराबदार चबूतरा बना है। मकबरे के मुख्य कक्ष में प्रवेश इसके चारों तरफ बने मेहराबों से होता है। पश्चिमी मेहराब से सटा हुआ एक मुगल कालीन कक्ष है, जो शायद इसके रखवाले का निवास रहा होगा, मतलब कंफर्म नहीं होता है किसी को। बुर्ज की भीतरी और बाहरी दीवारों पर प्रचुर मात्रा में तराशे गए प्लास्टर की सजावटी काम है। भीतरी दीवारों बहुरंगी ज्यामितिक पैटर्न मुकरने और आयतों से सुजित, मतलब कि कुरान की आयतें सभी में लिखी गई हैं। बहुरंगी ज्यामितिक पैटर्न से जैसे बता रहे हैं कि आयतों से सुजित है। लक्कड़ वाले बुर्ज की संरक्षण कार्य में पारंपरिक सामग्री और विधि का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से यह मुगलकालीन इमारत सन 2017 में एक विश्व विरासत घोषित करी गई है। मतलब कि ये एक विश्व विरासत है गुरु। इसका नाम है मोंटेजुमा, इस गुलाब का, और ये है पीला वाला गुलाब, हम तो यही कहेंगे पीला वाला गुलाब, इसका भी कोई नाम होगा। अच्छा, ये है गोल्ड मेडल, और ये रहा गुलाब, गुलाबी वाला गुलाब, पिंक। सेंचुरी टू, लाजवाब, कई तरह के गुलाब हैं यहाँ पे, बहुत है, बहुत बहुत चारों तरफ इसके गुलाब के पौधे लगे हैं चारों तरफ। इधर ये वाइट,
इसमें कुछ लेकिन ये सब आइसबर्ग है, ये मतलब आइसबर्ग बोले तो बर्फ़ की तरह ये है ओरिजिनल, इसमें महक होता है। हाँ ये है ओरिजिनल। चलते हैं इसके ऊपर देखते हैं। इसका सारे चारों तरफ से गेट बंद है, अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर से देख लें। इसके अंदर नहीं जा सकते, बंद है ये, चारों तरफ से बंद है। लेकिन ये भी विश्व विरासत है ये, और इसके चारों तरफ ये एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर आप कुत्ता भी ले आ सकते हैं, उसकी व्यवस्था साथ हो। यहाँ लिखा गया है ना कि आप अपने पालतू डॉग ले आ सकते हैं, लेकिन उसके बीट को आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कहीं और कुछ। वैसे यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके चारों तरफ। वाह, गुलाब ही गुलाब, गुलाब ही गुलाब। लेकिन ये एक्चुअल किसकी कब्र है ये किसी को नहीं पता है। ये छत पे जाने का रास्ता भी है। ये झील, ये इसको पिकनिक स्पॉट भी बोलते हैं, लोग यहाँ पे आके अपना जैसे बैठते हैं फैमिली के साथ, गेट टुगेदर करते हैं यहाँ पे। और ये है यहाँ की मेन खासियत, सुंदर नर्सरी। तो सुंदर नर्सरी, ये इसी नर्सरी की वजह से इसका नाम नर्सरी पड़ा है, नहीं तो इसमें सुंदर तो और भी बहुत कुछ है। अगर आपको सुंदर नर्सरी घूमना हो तो आप यहाँ चले आइए, बहुत आनंद आएगा, चाहे फैमिली के साथ आए, चाहे अकेले आए, या कुछ भी, जैसे भी आना चाहें। यहाँ पे आप फैमिली के साथ आओ और अपना पिकनिक यहाँ पे मना सकते हो आराम से, बच्चे खेले। और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया लगी हुई, बैठ के थोड़ा मन को शांत करें, दिल्ली में ऐसी जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। ये है अजीम बाग, इसका नाम है, इस बागीचे का नाम अजीम बाग। देखते हैं क्या है अजीम बाग में। यहाँ पे ये फाउंटेन वगैरह देखो कितने बेहतरीन निकल रहे हैं। ये इसका इतिहास, इसका नाम है अजीमगंज सराय। अजीमगंज सराय पहले जैसे ये 16वीं सदी में ये भी बनाया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे। इसके चारों तरफ, अजीम बाग के चारों तरफ जो है 108 कमरे बने हुए हैं, जिनका इस्तेमाल यात्री, जायरीनों, सौदागरों और शिल्पकारों द्वारा किया जाता था। जो भी उस आता था तो उसमें अपना रुकते थे। ये जो सामने दिख रहा है ये 108 कमरे हैं, से सीधा किनारे 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 किनारे, इसीलिए इसको जैसे किले की तरह ये नज़र आता है। ये किला नहीं है, सराय है। यहाँ मैं दिखाऊँ तो ये सराय बाग जो है, इसमें देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन फूल खिले हुए हैं। सराय बाग,
इस नर्सरी में आपको फ्लावर्स के साथ साथ कुछ औषधीय पौधे भी मिलेंगे। ये सारे औषधीय हैं, दवाई है जिससे बनती है। यहाँ एक फैब कैफ़े भी है, आप यहाँ पे अपना लंच डिनर या कुछ भी कर सकते हैं। ये सातूत का पेड़ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये सातूत का पेड़ है। यहाँ पे आप अपना लंच हो या डिनर हो या पार्टी हो कुछ भी कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे अंदर बैठने की और बाहर बैठने की दोनों सुविधाएं मिलेगी। और यहाँ किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बांस है बम्बू, यहाँ तक लिखा हुआ है इसमें भी। अब ज़रा सा ध्यान दोगे तो हर पेड़ में कहीं जितना भी पेड़ है सब में लिखा हुआ है कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सी प्रजाति है, कौन सी स्पीसीज है। हर भाषा में लिखा हुआ है। तो आप एक बार यहाँ पर आइए और देखिए, अच्छा लगेगा। और सुंदर नर्सरी के अंदर ही एक बच्चों के लिए प्ले जोन बनाया गया है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो। और इसका क्लोजिंग टाइम 6 बजे का है, तो अभी 6 बज के ज़्यादा हो गए हैं, 6 से ज़्यादा हो गया टाइम, इसलिए अभी इसको बंद कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए बच्चों के, तो अगर आपके पास बच्चे हैं तभी आप आ पाओगे अंदर, नहीं तो आप नहीं आ पाओगे। चलो। और सुंदर नर्सरी में अभी हम जहाँ पे हैं, यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देगी। ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी, इसीलिए ये जगह है। यहाँ पे लोग आके चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, मन को शांति मिलती है। कहीं मोर बोल रहा है तो कहीं कौआ, लेकिन चिड़िया है बोल रही है। देखो मैं इसके अंदर चलता हूँ अभी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, इसीलिए ये जगह फेमस है। ओह देखता हूँ, शाम हो गया है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मोर बहुत बोल रहा है और अभी लेट ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से हम लोग अभी चलते हैं यहाँ से। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।